नमस्कार, मैं सुमलता, आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। सुभाजपा भागीदार संकल्प मोर्चा 19 मई को एक दिवसीय धरना हर घर में करने जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर एवं प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एवं भारतीय मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा के द्वारा 19 मई को धरना दिया जाएगा। इस धरने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। इस धरने का समय है 8 बजे सुबह से 2 बजे दोपहर तक। लॉकडाउन में सरकार को बताना है कि उनकी नीति मजदूरों के खिलाफ है, ऐसा इनका कहना है। और इनका कहना है कि गरीब मजदूर राशन के लिए दर दर भटक रहा है, रोजगार अंतिम सांस ले रहा है। सुभाजपा सरकार एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काली पट्टी बांध करके ये धरना देगा। भागीदारी आंदोलन मंच सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में दिनांक 19 मई को भागीदारी आंदोलन मंच के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से अपील है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और मजदूर श्रमिक पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी दिनांक 19 मई को गांव गांव में घर घर में काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध करेगी और सुबह 8 बजे से 2 बजे तक अनवरत अनशन और धरना प्रदर्शन करेगी। सभी साथियों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करके और सरकार के कानों तक अपनी बात को पहुंचाने का काम करें। जय सूर्यदेव, जय भागीदारी आंदोलन मंच। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज डिजिटल मीडिया के साथ।